तो पूरे दुनिया के अंदर जो सा वो बाइक्स अपने भिजवा रहे हैं भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वकास भाई। अस्सलामुअलैकुम वकास भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई इज़ फ्रॉम बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स और ये जो खूबसूरत मोटरसाइकिल हमारे सामने आप मुलाहजा फरमा रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो फ्राम बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स। इन्होंने ही इम्पोर्ट किया इस मोटरसाइकिल को, तो इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस और मोटरसाइकिल्स हम आपके लिए लेके आते रहें। सो वकास भाई, सबसे पहले तो हम इंजन से ही शुरू कर लेते हैं। पहले आप इस बाइक का नाम बता दें हमें, कौन सा मोटरसाइकिल है? जी उमर भाई, ये कावासाकी निंजा 300 का रेप्लिका है, ठीक है, और 250 cc कैटेगरी के अंदर, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा वकास भाई, कितनी हॉर्स पावर ये जनरेट कर लेता है मोटरसाइकिल? उमर भाई ये जो हॉर्स पावर है वो 16.5 HP है इसका। ठीक है, 16.5। अच्छा मुझे ये बताएं कि 250 cc और सिंगल सिलेंडर और डुअल सिलेंडर में क्या फ़र्क है? आई मीन कितना एक प्राइस का डिफरेंस कितना आ जाता है इनमें? प्राइस का डिफरेंट इस टाइम, क्योंकि इस बाइक की प्राइस को अगर देखा जाए, उसकी प्राइस को देखें, अराउंड 1 lakh से 150 lakh में फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क सिर्फ इस वजह से आता है कि इंजन कैपेसिटी की वजह से ही, या वो किस बाइक का रेप्लिका है उस वजह से भी आता है? मतलब एक BMW का रेप्लिका है, जो आप ड्यूल सिलेंडर की प्राइस वाइज की बात कर रहे हैं, 1 lakh से 150 का जो फ़र्क आता है, वो मॉडल का भी फ़र्क आता है, ठीक है, अगर हर बाइक की डिफरेंट प्राइस है, ठीक है, मॉडल का भी फ़र्क आता है, और ड्यूल सिलेंडर का तो फ़र्क है ही है ऑब्वियसली। और उसका फ़र्क मैं आपको थोड़ा इस तरह भी बताता हूँ कि बहुत से लोग ये माइंड में होता है कि हम एग्जॉस्ट अच्छा लगवा लेंगे, आफ्टर मार्केट लगवा लेंगे, तो डबल सिलेंडर जैसा बाइक हो जाएगा। सही, तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसे ही है, ठीक है। इवन कि वो 50,000 का 1 lakh का भी एग्जॉस्ट ले लें तो साउंड जनरेट नहीं कर सकता वो तो ज़ाहिर है इंजन की पावर तक ही होगा, कितना सिलेंडर है क्या हिसाब था अभी उसी हिसाब से, अदरवाइज वो चाइना है वो उसको मैन्युफैक्चरिंग ही ना करे उसको, ऐसे ही है। और पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल थोड़े से बाइक्स आटे में नमक के बराबर आते हैं। अच्छा वकास भाई, प्राइस की हम पहले ही बात कर लेते हैं, क्या प्राइस है इस बाइक के? इस बाइक की जो प्राइस है वो 5,50,000 है, 5,50,000 रुपये प्राइस है इसकी। अच्छा आप कुछ बता रहे थे कि कितनी एक वारंटी आप दे रहे हैं, और ये वारंटी सिर्फ टाइम पर है या साथ इसके किलोमीटर्स भी कुछ हैं? इतने किलोमीटर चलेगा तो वारंटी वाइड हो जाएगी, उससे पहले पहले हम क्लेम करेंगे? अच्छा उमर भाई, इसके अंदर ना दो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कस्टमर जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। सही, जिस चीज़ से कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाता है उस बात को हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। सही, नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये बात करते हैं कि 6,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर, सही, साथ 3 months या 6 months, ठीक है, सात दिन चाहिए वो लिखा होता है, इनमें से जो पहले पूरा हो गया, हाँ, whichever comes first, तो वो वारंटी ख़त्म हो गई। सही, तो हम ये बात करते ही नहीं है, हम सिंपल कहते हैं कि 3 months की वारंटी है। सही, अब उसमें वो, क्योंकि ये बाइक ऐसा नहीं है कि 3 months के अंदर 5,000 चल जाए या 10,000 चल जाए, सही, ठीक है ना। इवन के 5,000 किलोमीटर हमारे जो बाइक्स हैं, नॉर्मली स्पोर्ट्स बाइक कम चलते हैं, ये 5,000 या 10,000 जाके कोई 2 साल बाद, कोई 3 साल बाद चलते हैं, बहुत कम केस में होता है कि 1 साल में चले। सही, इवन के 3 months में कोई भी नहीं चला सकता है इसको इतना ज़्यादा, तो इसलिए हम वो बात नहीं करते कि किलोमीटर पहले पूरे हो जाएंगे तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। सही, या 3 months पहले खत्म हो जाएंगे तो वारंटी खत्म हो जाएगी, सिंपल इज दैट, बात करते हैं कि 3 months की वारंटी है, 3 months की वारंटी है, कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसका काम करके देंगे। ठीक हो गया। और नई बाइक की जो वारंटी है वो 3 months की वारंटी है, और यूज़ बाइक की भी हम वारंटी साथ बता रहे हैं कि हमारे पास जो, क्योंकि यूज़ के अंदर भी हम सेल परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम बाइक जो अच्छे बाइक होते हैं, एक्सीडेंटल बाइक ना हो, बहुत पुराना बाइक हो और फेयरिंग उसकी बिल्कुल ख़त्म हुई हो, ऐसे बाइक हम परचेज़ नहीं करते, और अच्छे बाइक परचेज़ करते हैं उसी की बिहाफ़ पे हम कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर हम पे ट्रस्ट कर रहा होता है। सही, ठीक है ना। इवन के लोग बात करते हैं बाइक आप लेकर बाहर गए तो आपका जो उनसे वो वारंटी ख़त्म है, जबकि वो चेक वारंटी है, जो देखना आप यहीं पर देख लो, मिट्टी सोना है यहीं पर देख लो, तो हम ये बात नहीं करते। जो यूज़ बाइक है उसकी 1 month की वारंटी है। ठीक हो गया। उसमें भी कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी भी हम 1 month की वारंटी देंगे। पार्ट्स का क्या सीन है?
जी उमर भाई, पार्ट्स भी अलहमदिल्ला हमारे पास अवेलेबल हैं, बॉडी पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, इंजन पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। नॉर्मली इसके जैसा बाइक नीचे गिरता है किसी ना भी किसी वजह से, तो नॉर्मली इसके लीवर्स, फुट रेस्ट, ये चीज़ें इसकी ब्रेक होती हैं। और थोड़ा आपको बताता हूँ कि इसकी फेयरिंग लोगों के माइंड में होता है कि गिरेगा तो टूट जाएगी, बिल्कुल चिकना चूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो मतलब कि अच्छी क्वालिटी की है ये, गिरने से क्रैक हो जाता है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, लेकिन टूटती नहीं है। सही, तो नॉर्मली वो हम रिपेयर भी कर देते हैं अगर कस्टमर की डिमांड पे, अदरवाइज हमारे पास ये फेयरिंग न्यू भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, यूज बाइक आप कैसे परचेज करते हैं, किसी से भी उठा लेते हैं या क्या सीन होता है वो? जी उमर भाई, एक्चुअली हम जो भी कस्टमर हमसे बाइक परचेज करता है, ठीक है, हम उसको ये मेक श्योर करते हैं कि कल को उसको बाइक सेल करना है वो हम परचेज भी करेंगे, ट्यूनिंग करवानी है, सर्विस करानी वो भी मिलेगी, पार्ट्स चाहिए उसको वो भी मिलेंगे। अगर एक्सचेंज करवानी है कि बाइक 250 कैटेगरी में था, उसका शौक पूरा हो गया, वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ और अपडेट करना चाह रहा हूँ, 400 में जाना चाह रहा हूँ, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। और एक कह रहा है कि जी सिर्फ मैं शौक पूरा हो गया, मैं सेल करना चाह रहा हूँ, चाहे वो हफ्ते बाद आ जाए, चाहे वो एक साल बाद आ जाए, चार साल बाद आ जाए, तो वो हम उसको मेक श्योर करें उसके हम बाइक परचेज करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है। और उसमें भी हमारे दो क्राइटेरिया हैं परचेज करने में, एक कैश है, फ़ौरन हम उसका कंडीशन चेक करते हैं और प्राइस बता देते हैं कि भाई इतने में हम आपको पेमेंट कर देंगे, और वो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया, उसमें थोड़ी पेमेंट हम ज़्यादा कर देते हैं कस्टमर, जैसे उसमें कस्टमर के लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है उसमें, अगर वो चाहे तो उसमें पेमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें जो ड्यूरेशन टाइम होता है पेमेंट का वो 2 मंथ्स का होता है। ठीक है। ठीक है, 2 मंथ्स में उसको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। अब चाहे बाइक सेल हो या ना हो, पेमेंट उसको 2 मंथ्स के बाद है, क्योंकि ये इसलिए हमने किया है कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई सेल करने आया, उसने जो डिमांड की बाइक खड़ी कर ली, और कस्टमर को कहा कि जब सेल होगी आपको पेमेंट कर देंगे, वो कस्टमर वरिड रहता है कि आज सेल होगी, कल सेल होगी, 10 दिन बाद सेल होगी, वो फ़ोन पर फ़ोन कर रहा होता है, वो डीलर्स कह रहे होते हैं जब भी रेट बहुत ज़्यादा है आपका, वो लग के हालात ये वो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, और क्या होता है कि वो इतने में उसने सेल करना नहीं होता, वो साइड पे लगा होता है, कीमत टूट जाती है, कीमत टूट जाती है, फिर कहते हैं जहाँ पे सेल होता कर दो। सही सही। तो वो बात हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि भाई इतने में परचेज करेंगे, और जो उनसे वो उसको पेमेंट फौरन हो जाती है, अगर 2 महीने बाद भी पेमेंट होनी है तो वो डिसाइडेड है। आप अपने कस्टमर से लेते हैं या कहीं से भी कोई खरीदता है तो वो दे सकता है आपको? प्रायोरिटी हमारी सबसे ज़्यादा यही होती है कि जो बाइक हमारे कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है। फैसिलिटेट ज़्यादा करते हैं। सही। और अगर कोई और शोरूम से किसी ने अगर बाइक लिया है, उसको कोई इशू आ, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनसे भी हम परचेज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली बाइक हमारे अपनी होते हैं। सही हो। ठीक है जी। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं बाइक की जानिब और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, और फिर लेते हैं इसकी अच्छी सी एक टेस्ट राइड। सो गाइस, बाइक के फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं, और मेरा हाथ पड़ा है व्हील्स पे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हील्स की। गाइस, फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो 110/70/17 का हमें टायर मिल जाता है, ऑफ कोर्स 17 का रिम इसमें लगा हुआ है, एंड इट आल्सो कम्स विद डुअल पिस्टन कैलिपर, डुअल डिस्क्स बाइक को रोकने के लिए, कन्वेंशनल डुअल शॉक्स आगे आपको नज़र आ जाते हैं जो आम किसी भी मोटरसाइकिल में लगे हुए होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, वही शॉक्स लगे हुए हैं। सो नोज़ की बात करें तो फ्रंट LED लाइट्स इसकी बहुत ज़बरदस्त आपको एक लावा वाइट रंग में मिल जाती हैं, बहुत मज़े का एक कॉम्बिनेशन है, बीच में प्रोजेक्टेड लाइट्स आपको नज़र आ जाती हैं। इन्हें मैं हाई बीम एंड लो बीम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इसके हैज़र्ड लाइट हम ऑफ़ कर देते हैं, यहाँ से हम इसकी फुल लाइट और ये डिम लाइट देख सकते हैं, रात को इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। यहाँ पर आपको फेयरिंग के अंदर ही एम्बेडेड आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ऑन बोथ साइड्स, फेयरिंग आप देख सकते हैं मोटो जीपी स्टाइल के फेयरिंग यहाँ पे लगाए गए हैं, और कुछ उसी किस्म की ग्राफिक्स भी इसमें आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंजन की, तो वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, सिंगल सिलेंडर 250cc इंजन है जो अराउंड 16.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 18 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7500 RPM पे। सो ऑल इन ऑल दिस इंजन इज़ मेड बाय जोंगशन, और जोंगशन के बारे में आप जानते हैं, एक जानी मानी कंपनी है चाइना में, और इंजन चूंकि एयर कूल्ड है, ठीक है, आगे आपको लग रहा होगा कि ऑयल कूलर लगा हुआ है या वाटर कूलर लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रोटेक्शन ग्रिल लगी हुई है सामने इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी इसमें वेंट्स बने हुए हैं कि हवा इंजन को मुसलसल लगती रहे और इंजन हीटअप ना हो। एक और मज़े की चीज़ यह है कि छोटा इंजन होने की वजह से हीटअप का इशू इसमें इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है ये, इन केस यू आर वंडरिंग कि EFI है या कार्बोरेटर है, तो दिस इज़ बेसिकली कार्बोरेटर। इसका फ्यूल टैंक जो है तकरीबन 16 लीटर तक फ्यूल स्टोर करने की गुंजाइश रखता है, और माइलेज की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर माइलेज ये दे देता है।
बैक सीट अगर बात करें तो पिलियन के लिए भी एक अदर यहाँ पे काउल के ऊपर ही सीट दी गई है, जो कि एक बंदे को मतलब कंपनसेट करने के लिए मोर देन इनफ है। छोटी राइड के लिए यहाँ पे आपको एक वाइट सीट मिल जाती है राइडर के लिए, जो कि न सिर्फ नर्म है बल्कि बहुत ही कंफर्टेबल भी है। और टेल पे अगर हम आते हैं तो एक चीज़ आप मिस करेंगे यहाँ पे कि विगो टेल टाइप की यहाँ पे टेल नहीं दी गई। कुछ इन्होंने इस किस्म की चीज़ एडॉप्ट की है इस साल। नए मॉडल्स में आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म के साथ एक अदद मड गार्ड पीछे मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा लो साइड पे है। और बैक से अगर आप देखें तो बाइक की लुक में भी काफ़ी इजाफा कर दिया है इसने। नीचे रिफ्लेक्टर लगा हुआ मिल रहा है आपको, इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ आता है साउंड, हम अभी एक मिनट में चेक करते हैं इसकी। बाकी बाइक की लुक्स आप देखें, शार्प कर्व्स हैं इसके, ठीक है। एजेस बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई हैं, एरोडायनामिक है। क्योंकि ये रेप्लिका है ओरिजिनल बाइक का, तो आप डिज़ाइन लैंग्वेज इसकी ओरिजिनल वाली ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसे फायर अप करते हैं और इसकी साउंड भी सुन लेते हैं कि साउंड कैसी है इसकी। क्लच दबाना पड़ेगा, ये आइडल है अभी। बिल्कुल माय काइंड ऑफ साउंड है इसकी। मुझे आई डोंट लाइक ह्यूज साउंड, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर ऐसा बाइक आपने लिया तो लिया क्यों है? ऑफ कोर्स साउंड के लिए लिया है। तो साउंड के लिए ये है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एग्जॉस्ट मिल जाएंगे। कोई भी एग्जॉस्ट आप इसके साथ एससी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, एक्रोपॉविक लगाना चाहते हैं, या वट एवर इज़ योर चॉइस, आप इसके साथ लगवा के इसकी साउंड को इंजॉय कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको नज़र आएगी, इस साल इन्होंने किया कि ये जो इसके रियर व्यू मिरर्स हैं, इसके अंदर भी एम्बेडेड LEDs के साथ यहाँ पे इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। अब इसकी असेंबलीज की तरफ आते हैं तो टॉप नॉच क्वालिटी में हमें अच्छे स्टफ में मिल जाती हैं असेंबलीज। इंजन किल स्विच, लाइट ऑन एंड ऑफ, ऑयल रिजर्वायर और आपका आ जाता है सेल्फ स्टार्ट। यहाँ पे आपको फोर वे एडजस्टेबल, आपको फोर स्टेजेस एडजस्टेबल लीवर मिल जाता है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं तो हमें लाइट, हाई बीम एंड लो बीम, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे पास का बटन मिल जाता है, ये हैजर्ड लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ नीचे चोक मिल जाती है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कार्बोरेटर मॉडल है तो कार्बोरेटर में चोक होगी ही। मीटर अगर आप मुलाहिजा करें तो मीटर में आपको तकरीबन 13,000 RPM पे जाके ये रेड लाइन हो जाता है। बाकी जो छोटी सी आपको LED स्क्रीन मिलती है, इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर तो ऑफ कोर्स आपको स्पीड बताएगा, ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर भी यहीं पे मिल जाता है। आपको इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है, आप इसे अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं इसकी। सो गाइज बढ़ते हैं इस बाइक की टेस्ट राइड की जाने, मिलते हैं टेस्ट राइड के बाद। सो गाइज आइए अब इस लाल परी की ड्राइव लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है। किल स्विच, सो लेट्स फायर इट अप। सो दिस लाल परी इज़ अगेन ऐसा बाइक है जो कि आप कंटेन भी कर सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं और इसकी पावर को इंजॉय भी कर सकते हैं। सो आई मस्ट हैव मोटरसाइकिल। सो गाइज ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये खूबसूरत मोटरसाइकिल भी। प्राइस मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, 550,000 रुपये इसकी प्राइस है। और रابطہ करने के लिए बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स का जो तमाम लिंक्स एंड वो एड्रेस वगैरह है विद फ़ोन नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। स्क्रीन पे नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे बुलेट वन के, तो आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर ऑर्डर करना चाहें तो वो भी आपको घर बैठे ये मोटरसाइकिल मिल सकता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम।